नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों को 2950 रुपए का लाभ। झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपए का एक मुश्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, अब उन्हें ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1950 रुपए देगी। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम विभागीय अधिकारियों और झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच बुधवार को हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सितंबर में होने वाली कैबिनेट में ईपीएफ का प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगले महीने से ही इसका लाभ देने पर सहमति बनी है। राज्य में कार्यरत सभी कोटि के पारा शिक्षक के मानदेय में समान रूप से 1,000 रुपये की बढ़ोतरी और ईपीएफ के लिए उनके बैंक अकाउंट से 1,800 रुपये की कटेगी, जबकि राज्य सरकार 1950 रुपये इस आधार पर ईपीएफ में हर महीने एक पारा शिक्षक के मानदेय पर 3750 रुपये जमा होंगे। बैठक में आकलन परीक्षा पास सहायक अध्यापकों को जेटेट के समतुल्य लाभ देने को लेकर भी आश्वासन दिया गया है। इसका प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा। चंपई सोरेन रांची लौटे, 30 को भाजपा में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बुधवार को नई दिल्ली से सीधे राजधानी रांची लौट आए हैं। उनके साथ ही संशय का दौर समाप्त हो गया, जिसके तहत लोग अटकलें लगा रहे थे कि उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। उन्होंने आते ही पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि शुक्रवार 30 अगस्त को विधिवत भाजपा में शामिल हो जाएंगे। बता दें, रांची में अपने आवास पर पहुँचने के बाद उन्होंने पहला काम यही किया है और इस्तीफा भेज दिया। जानकारी के अनुसार उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता और राज्य कैबिनेट से एक साथ इस्तीफा भेज दिया। ज्ञात हो कि गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक है, जिसमें चंपई मौजूद नहीं रहेंगे। दूसरी ओर झामो महासचिव विनोद पांडे ने मंगलवार को चंपई से पुनर्विचार का आग्रह कर सबको चौंका दिया था। माना जा रहा है कि उन्होंने यह बयान एक रणनीति के तहत दी है, जिससे जनता के बीच संशय जाए और संदेश जाए कि उन्हें छामो में रोकने की आखिरी दम तक कोशिश की गई। झारखंड के 3 शहर में खुलेंगे एफएम चैनल। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 234 शहरों में निजी एफएम रेडियो के संचालन लाइसेंस देने को मंजूरी दे दी है। इसमें झारखंड के 6 शहर बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और डाल्टनगंज शामिल हैं। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से बोकारो वासियों में खुशी है। धनबाद में 4 चैनलों की नीलामी होगी, जबकि अन्य 5 जिलों में 3-3 चैनलों की नीलामी की जाएगी। बता दें, केंद्रीय मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो चरण 1 नीति के तहत 784.87 करोड़ रुपए के अनुमानित आरक्षित मूल्य तय किया है, अर्थात प्रत्येक चैनल के लिए न्यूनतम 3.35 करोड़ रुपये राशि निर्धारित है। महिलाओं को मिले केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड चुरचू पहुँचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मार्शल प्राथमिक विद्यालय बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड के सदस्यों ने राज्यपाल को सम्मानित किया। राज्यपाल ने चरही आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में पौधारोपण भी किया। सेविका, सहायिका और बच्चों से मिलकर पढ़ाई व पोषण की जानकारी ली। बच्चों के बीच टॉफी बांटे। राज्यपाल प्रखंड के बहेरा पंचायत के कजरी गांव में स्थित मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड सेंटर पहुंचे। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे कपड़े व मशीन का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने बुनकर सहयोग समिति के सदस्यों के कार्यों की सराहना की। कहा है कि सहयोग समिति का कार्य हमारी बहनों के हित में रखते हुए किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समिति से जुड़ी बहनों की आय में वृद्धि हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। गिरिडीह में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल से कामकाज प्रभावित। गिरिडीह में सरकारी कर्मचारियों के कई संघों के हड़ताल पर चले जाने और धरना देने के कारण कई विभागों के कामकाज पर असर पड़ा है। झारखंड राज्य मोपसी लिपिक मोर्चा, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ व झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन आंदोलन पर हैं। इन संघों ने हड़ताल के कारण विभागीय अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों व आम लोगों को परेशानी हो रही है। आंदोलनरत कर्मचारी अन्य लोगों को कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे, वही कई संघ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में वन विभाग परिसर में धरना दे रहे हैं। झारखंड की 8 बच्चियों को पुलिस ने दिल्ली से किया बरामद। पुलिस को मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। खुट्टी पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने मानव तस्करी के शिकार हुई खुट्टी की बच्चियों को देश के कई राज्यों में छापेमारी कर बरामद किया है।
बरामद बच्चियों में दो मुरहू, दो सायको और तीन रनिया थाना क्षेत्र की निवासी हैं। वहीं रनिया थाना क्षेत्र की एक बच्ची शामिल है। बता दें, पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 और गुरुग्राम से 1 बच्ची को बरामद किया। ये सभी बच्चियां 1 से 3 साल से लापता थी। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराया गया, जिसके बाद सभी को छुट्टी लाने की कार्रवाई की जा रही है। चंपई सोरेन पर जासूसी की हो न्यायिक जांच बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की स्पेशल ब्रांच द्वारा जासूसी के आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि स्पेशल ब्रांच के द्वारा न सिर्फ जासूसी कराई जा रही थी बल्कि हनी ट्रैप की कोशिश के लिए युवती को भी लगाया गया था। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। बाबूलाल ने आरोप लगाया है कि जजों की भी जासूसी राज्य सरकार करा रही है। उन्होंने कहा है कि चंपई जासूसी प्रकरण में स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार का नाम सामने आया है। प्रभात को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि पूरे मामले को सीएम, सीएस व डीजीपी का संरक्षण है। भाजपा ने चंपई की जासूसी का प्रपंच रचा झामुमो। झामुमो ने भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी के आरोपों को पलटवार किया है। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि ठगी, झूठ और उपद्रव जैसे चाल चरित्र और चेहरा रखने वाली भाजपा एक्सपोज हो गई है। भाजपा के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी बयान से यह साफ हो गया है कि दिल्ली में झारखंड पुलिस की विशेष शाखा के 2 एएसआई इसी कार्य के निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण निरुद्ध हुए थे। उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस कर्मियों का पदस्थापन सुरक्षा के लिए किया गया था, वह किसी व्यक्ति विशेष की जासूसी नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि पूरे दिन भाजपा के बड़े नेताओं ने चंपई सोरेन की जासूसी की तहीन सूचना सिर्फ फरेब के लिए फैलाई। बाबूलाल भी हिमंता की तरह मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें भी अच्छी तरह यह मालूम होगा कि चंपई सोरेन उच्च सुरक्षा में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के डर से तोड़फोड़ कर रही भाजपा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सरकार गिराने के लिए भाजपा रोज नया षड्यंत्र रच रही है। हार के डर से वह नेताओं में फूट डाल तोड़फोड़ कर रही है। वे मुद्दों से हारे तो अपनी रोटी सेकने के लिए नया नेता और नया कैंडिडेट ला रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण के दौरान चंपई सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा है कि हम इतना संघर्ष करेंगे तो थोड़ी खरोच तो लगेगी ही, लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से हमें खत्म करने का सपना न पाले। वे बुधवार को सरायकेला खरसावा जिले के गम्हरिया में मैया समान योजना की राशि हस्तांतरण के लिए प्रमंडल स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। चंपई सोरेन की जासूसी के आरोप में 2 एएसआई से पूछताछ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जासूसी का आरोप स्पेशल ब्रांच के अफसरों पर लगा है। चंपई की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर राज तिलक और गौरव कुमार को मंगलवार रात हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद दोनों को बुधवार दोपहर पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। इधर बुधवार दोपहर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पेशल ब्रांच पर जासूसी का आरोप लगाया। उन्होंने चंपई सोरेन के फोन ट्रैपिंग और हनी ट्रैपिंग की भी आशंका जताई है। सीएम हेमंत आज 365 सीएचओ को देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में 365 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सीएचओ को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसमें 332 एलोपैथ जबकि 33 आयुष के सीएचओ शामिल हैं। सभी सीएचओ की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जा रही है। एनएचएम झारखंड के प्रशासी पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने इसके लिए सभी चयनित सीएचओ को गुरुवार को 10:30 पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। नियुक्ति के बाद सभी सीएचओ को विभिन्न जिलों में अवस्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पदस्थापित किया जाएगा। बता दें, मानदेय के रूप में हर माह 25,000 रुपये एवं परफॉर्मेंस बोनस के रूप में हर माह 15,000 रुपये दिए होंगे। झारखंड के स्कूली बच्चों के लिए रीडिंग कैंपेन शुरू। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ, आईपीईएल और रूम टू रीड इंडिया के सहयोग से सरकारी स्कूलों में रीडिंग कैंपेन शुरू हो गया है। यह 9 सितंबर तक चलेगा। शिक्षा विभाग का यह अभियान बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने, समुदाय और अभिभावकों को बच्चों के पठन पाठन से जोड़ने व बच्चों के लिए उपलब्ध बाल साहित्य के प्रति जागरूक करेगा।
14 दिनों तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक दिन स्कूल स्तर की गतिविधि निर्धारित की गई है। इसे शिक्षकों द्वारा बच्चों और समुदाय के सहयोग व प्रतिभागियों से किया जाना है। धन्यवाद।